नमस्कार मित्रों, मैं सुशील त्रिपाठी और आप देख रहे हैं बेलाग वाणी। मित्रों, कृषि से जुड़े अध्यादेश लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी पारित हो गए, यानी कि अब इस कृषि अध्यादेशों को कानून बनने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इस कानून का अध्यादेश का विरोध बहुत ज़बरदस्त तरीके से शुरू हो गया है, खासकर विपक्ष ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। कुछ किसान संगठन भी इसके विरोध में उतर आए हैं। क्यों हो रहा है इसका विरोध? सरकार कह रही है कि ये कानून, ये जो अध्यादेश लाए गए हैं, ये अध्यादेश किसानों की आय को दोगुना करने या किसानों को खुशहाल बनाने के लिए लाए गए हैं। फिर इस अध्यादेश का विरोध क्या हो रहा है? आखिर विपक्ष क्यों इसका विरोध कर रहा है? और सबसे खास बात यह, कुछ राजनीतिक दल जो पहले इस अध्यादेश के समर्थन में थे, अचानक, मैं तो इसमें केवल राजनीतिक कारण ही कहूँगा, क्यों वो विरोध में आ गए हैं? ये अध्यादेश सही है गलत है ये तो किसान तय करेंगे, लेकिन कुछ राजनीतिक दल किसान संगठनों के साथ मिलकर इस अध्यादेश को खराब बताते हुए, यानी किसानों के लिए अभिशाप बताते हुए सड़कों पर उतर आए हैं। खुद आपने देखा होगा कि राज्यसभा और लोकसभा में भी इस पर बहुत जमकर हंगामा हुआ था। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे जो भी वीडियो मैं इसमें डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मित्रों, आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि ये जो अध्यादेश है, क्या वाकई किसानों की खुशहाली के लिए है, या फिर जैसा कि विपक्ष कर रहा है या कुछ किसान संगठन कह रहे हैं कि ये किसानों के लिए अभिशाप है, किसान इससे मजदूर बन जाएगा, अपने ही खेत में मजदूर बन जाएगा, क्या ये चीज़ें सही हैं? तो आज हम इन्हीं चीज़ों पर चर्चा करेंगे। तो आइए चलें। आगे बढ़ने से पहले अगर हम ये पहले जान लें कि आखिर ये तीन जो अध्यादेश हैं, दो अध्यादेश और एक संशोधन, ये है क्या और इसमें क्या प्रावधान किए गए हैं, मतलब किसानों के हित के लिए इसमें क्या बातें हैं जो सरकार या तो किसानों को समझा नहीं पा रही है या किसान समझ रहे हैं और किसान को लग रहा है कि ये जो है उनके हित में नहीं है। तो इन पे थोड़ी सी संक्षेप में इनके बारे में जान लेते हैं और उसके बाद फिर इसका विरोध क्यों हो रहा है उस पर बात करते हैं। 17 सितंबर 2020 को लोकसभा में दो अध्यादेश पास किए गए, जिसमें पहला था प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020, यानी संवर्धन और सुविधा 2020, ये एक्ट पास हुआ। इसमें यह प्रावधान किया गया कि किसान अपनी उपज को देश में कहीं भी बेच सकते हैं। राज्य सरकारें मंडी से बाहर जो भी उत्पादन है, जो भी फसल कृषि उत्पाद है, उस पर टैक्स नहीं लगा सकेंगी। किसान स्वतंत्र होगा अपनी फसलों का वाजिब मूल्य तय करने के लिए। दूसरा है संरक्षण और सशक्तिकरण एक्ट, एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एक्ट, यानी इसको एक दूसरे भाषा में हम जान लें तो ये है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, यानी कि अनुबंध खेती, यानी कि किसान अपनी उपज को खेत में ही, यानी बोने से पहले ही, उसे व्यापारियों से या जो बड़े व्यापारी हैं या कंपनी हैं उनसे अनुबंध कर लेते हैं। अपने जो भी उनका कास्ट आ रहा है, जो भी उनका जो है मूल्य है उस फसल का, वो तय करेंगे और वो तय करके एक जो है बड़ी कंपनियों से एक अनुबंध कर लेंगे। अब इसमें क्या सरकार की क्या दलील है कि इससे उनको फ़ायदा क्या है? इसमें उनको फ़ायदा ये है कि सारा जोखिम अब जो जिससे कॉन्ट्रैक्ट किया है उसके अधीन हो जाएगा, मतलब किसानों को इसमें जोखिम कम उठाना पड़ेगा, उसे खरीदार ढूंढने के लिए कहीं बाहर भटकना नहीं पड़ेगा, दूसरी जगहों पे जाना नहीं पड़ेगा। जो कंपनी उनसे अनुबंध करेगी वो स्वयं आके उनके खेतों से अपना जो उत्पाद है वो ले जाएगी। किसानों की इस फसल को दुनिया भर के देशों में पहुंचाने में मदद मिलेगी। और तीसरा जो संशोधन विधेयक है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में सरकार ने संशोधन किया है। अभी तक इस अधिनियम में क्या था कि अगर कोई भी व्यक्ति या कोई व्यापारी या कोई जो है उद्योगपति या कोई भी भंडारण नहीं कर सकता था, इस कानून के तहत वो किसी भी चीज़ का भंडारण नहीं कर सकता था। अब सरकार का क्या कहना है कि सरकार ने बहुत सारी चीज़ों को आवश्यक वस्तु अधिनियम के दायरे से बाहर कर दिया, यानी कि आवश्यक वस्तुओं की सूची से बहुत सारी चीज़ें बाहर हो गई।
जिसमें अनाज, दाल, खाद्य तेल, तिलहन, प्याज, आलू, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बाहर होगी। सरकार का ये मानना है कि जितना लक्ष्य दिया जाता है उत्पादन का, उससे ज़्यादा किसान उत्पादित कर रहे हैं। तो इनका जो महामारी है या फिर कोई दैवीय आपदा है, ऐसे समयों को छोड़कर आप इसे भंडारण करें, क्योंकि भंडारण करने से क्या होगा, अभी होता क्या है कि भंडारण कर नहीं सकते तो किसान उसे जो है उसी दिन, चाहे रेट कम हो चाहे जैसे भी हो, उसी पे बेचने को मजबूर हो जाता है। लेकिन अब वो अपने अनाज को या अपने उत्पाद को बचा के रख सकते हैं, और जब इसका उचित मूल्य मिले तो इसको वो निकाल सकते हैं। मतलब जब भी उनको लगे कि हाँ अब ये उचित समय आ गया है, उचित मूल्य उनको मिल रहा है, तो वो उसे निकाल सकते हैं। तो ये थे जो अध्यादेश सरकार ने जारी किया और जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास हो चुके हैं। अब इसका विरोध क्यों हो रहा है, इस बारे में जान लें। ये अध्यादेश कहता है, उनका कहना है जो विरोध कर रहे हैं, कि ये अध्यादेश कहता है कि बड़े व्यापारी या उद्योगपतियों से किसान सीधे बात कर सकता है और अपनी उपज को उनको बेच सकता है, इससे उसको अच्छा मूल्य मिलेगा। लेकिन विरोध इस बात का है कि उनका ये कहना है कि जो छोटे किसान हैं और जो मोल भाव नहीं कर सकते या जो मोल भाव नहीं कर पा रहे हैं, वो कैसे जो है इसको बेचेंगे, उन्हें कैसे मोल भाव करेंगे। इस ऐसी स्थिति में तो उनको जो है उद्योगपति या जो भी बड़े किसान हैं वो उनको औने पौने दे के फिर वही स्थिति बनी रहेगी। इसके अलावा सरकार एक राष्ट्र एक बाज़ार की बात तो करती है, यानी वन नेशन वन मार्केट की बात तो करती है, लेकिन जो किसान अपने ही ज़िले में फसल अपनी नहीं बेच पा रहा है, वो दूसरे ज़िलों में यानी बाहर जाके दूसरे ज़िलों में वो कैसे अपनी फसल बेचेगा। क्योंकि इस अध्यादेश में ये प्रावधान है कि किसान अपनी फसल को, अभी तक क्या था कि दूसरे ज़िलों में या फिर दूसरे राज्यों में जाके फसल बेचने पर उसे टैक्स देना पड़ता था, लेकिन अब पूरे देश में वो कहीं भी अपनी फसल बेच सकता है। लेकिन उनका ये कहना है, जो विरोध कर रहे हैं, विरोधियों का ये कहना है कि जो किसान अपने ही ज़िले में फसल नहीं बेच पा रहा है, वो दूसरे ज़िलों में कैसे जाके बेचेगा। इसके अलावा एक प्रावधान इसमें यह है कि जो पैसा, जो फसल आप बेचने जा रहे हो, उसमें जो पैसा आपको मिलेगा वो 2 से 4 कार्यदिवस के पर मिलेगा। अब किसानों का यह कहना है कि गन्ने को लेकर पहले से ही भुगतान की समस्या से जुड़े जूझ रहे हैं वो, मतलब करोड़ों रुपए किस चीनी मिलों पर बकाया है और किसान उनसे वापस नहीं ले पा रहे हैं पैसे, उसके लिए आंदोलन हो रहे हैं। अब जो अनाज जो बेचने जा रहे हैं, इसमें भी 2-4 कार्य दिवस में उनके खाते में पैसा भेजा जाएगा, लेकिन अगर वो व्यापारी नहीं भेज रहा है, वहाँ से पैसा नहीं आ रहा है, तो फिर वो चक्कर लगाएंगे, उसके पास जाएंगे, यानी 4 चक्कर लगाएंगे तो जितना उसे फ़ायदा हुआ है वो सब बराबर हो जाएगा। तो ये सारे विरोध हैं इस तरह के। इसके अलावा कुछ लोगों का ये भी कहना है इससे मंडी व्यवस्था समाप्त हो जाएगी, जबकि ऐसा नहीं है कि मंडी व्यवस्था समाप्त हो जाए, मंडी अपनी जगह पर रहेगी और किसान मंडी से बाहर अगर कहीं किसी को सौदा कर सकता है, करना चाहता है, तो अपने, अभी तक क्या था, किसान मंडी मिलाता था और वहां बिचौलियों को बेचता था और बिचौलिए फिर जो है उसका रेट तय करते थे और बाहर बेचते थे। यानी कि इसको ऐसे समझिए कि किसान अगर कोई सब्जी लेके आया है तो उस सब्जी का रेट जो बिचौलिए थे वो बहुत ही कम लगा के खरीदते थे, जबकि बाजार में उसका मूल्य कुछ और होता था। अब किसान क्या करेगा, सीधे जो है जो खरीद रहे हैं, आड़ती जो खरीद रहे हैं, सीधा बिचौलियों के चक्कर में ना पड़ के सीधा उनसे अपने फसल का मोल भाव कर सकेगा और इस पे जो कहीं टैक्स भी नहीं लगेगा। यानी मंडी व्यवस्था, जो सरकार कह रही है कि मंडी व्यवस्था फिलहाल ख़त्म नहीं होने जा रही है। अब बात करते हैं कि राजनीतिक दल इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। इसी साल जब जून में ये अध्यादेश आया था, तब शिरोमणि अकाली दल ने इसका समर्थन किया था, जो भाजपा सरकार में सहयोगी है और जिसकी मंत्री हैं हरसिमरत कौर, इसका समर्थन किया था। और उस समय जब पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने इसका विरोध किया था, तो शिरोमणि अकाली दल ने उनकी आलोचना की थी और ये भी कहा था कि वो किसानों के दुश्मन हैं। फिर जब ये अध्यादेश पास हुआ तो अचानक क्या हुआ कि शिरोमणि अकाली दल इससे भाजपा से, अध्यादेश को तो छोड़िए, वो भाजपा से, सरकार से ही इस्तीफा दे दिया उन्होंने। और जो इसकी मंत्री थी हरसिमरत कौर, उन्होंने अपने केंद्रीय मंत्रालय से इस्तीफा दे दिया। क्यों शिरोमणि अकाली दल अचानक क्यों जो है इसके विरोध में कूद पड़ी, जबकि वो समर्थन में थी इसके? उसका जो सबसे बड़ा कारण है वो राजनीतिक कारण है। दरअसल इस बिल का जो सबसे ज़्यादा विरोध हो रहा है वो पंजाब से शुरू हुआ है, पंजाब, हरियाणा और इधर के राज्यों में है। तो उनका ये मानना है कि वहाँ जो है कांग्रेस की सरकार है और अगर किसान कांग्रेस की तरफ इस अध्यादेश को, क्योंकि कांग्रेस जो है उस किसान जो है इस अध्यादेश के विरोध में है और उसको चाहे बरगलाया जा रहा है, जैसे भी वो इसका विरोध कर रहा है,
तो कहीं ऐसा ना हो कि किसान जो है हम कैप्टन अमरिंदर जो है किसानों के साथ हो जाए और किसान इनसे अलग हो जाए, छिटक जाए, क्योंकि ये सत्ता पक्ष के साथ हैं। तो इसलिए जो है पूरी तरह से राजनीतिक है ये विरोध, और उन्होंने इसीलिए जो है इससे इस्तीफा देके ताकि उनकी राजनीतिक साख जो पंजाब में है वो बची रहे। अब इसका एक सबसे बड़े विरोधी हैं वो है कांग्रेस। कांग्रेस क्यों विरोध कर रही है इसका? कांग्रेस को भी अपनी राजनीति करनी, शायद इसीलिए वो भी विरोध कर रही है इस पर। क्यों? क्योंकि 2019 के चुनाव में जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो था, अगर आप उसको कायदे से पढ़ें, तो उन्होंने इसमें ये प्रावधान किया था कि अगर उनकी सरकार आती है तो वो जो है किसानों को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से के अलावा अपने फसल को कहीं भी बेचने की सुविधा देंगे, कृषि उत्पाद बाजार समिति कानून यानी कि APMC खत्म कर देंगे। फिर अचानक उन्होंने विरोध शुरू कर दिया इस बिल का। क्या वाकई जो विरोध कर रहे हैं वो वाजिब है या फिर जो है केवल राजनीति? तो केवल राजनीति से बिल्कुल साफ लग रहा है कि केवल राजनीति से प्रेरित है, क्योंकि एक बार मनमोहन सिंह ने भी जो है तो संसद में उन्होंने कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इस देश की ज़रूरत है और इस देश में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होनी चाहिए, तभी किसानों की स्थिति सुधर सकती है। अब इसमें सरकार ने क्या गड़बड़ की? दरअसल सरकार जो है, जो मुझे लगता है, ये मेरा अपना ओपिनियन है, कि सरकार किसानों के बीच में इस अध्यादेश को लेकर जो भी भ्रम था उसको दूर करने में सफल नहीं हो पाई। लॉकडाउन के तुरंत बाद उन्होंने इस अध्यादेश को पेश किया। इस बेहतर होता कि वो पहले किसानों के बीच जाते हैं कि इस अध्यादेश से उनका कितना फ़ायदा या कितना नुकसान हो रहा है, तो शायद किसान आज इस अध्यादेश के खिलाफ खड़ा ना होता। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। धन्यवाद।